मुरैना में पानी सप्लाई के लिए खरीदे गए सरकारी टैंकरों के गायब होने का मामला सामने आया है। साल 2011-12 के बीच ग्राम पंचायतों को पानी की सप्लाई के लिए टैंकर दिए गए थे, लेकिन अब 400 से ज्यादा टैंकर लापता है। आशंका है कि टैंकर खरीद में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। करैरा के जुझाई गांव में जाटव समाज की बारात में दूल्हे की घोड़ी से उतारकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का आरोप लोधी समाज के एक दर्जन लोगों पर है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी करवाई। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ ना तो कार्रवाई हुई न ही रिपोर्ट दर्ज की गई। उज्जैन सिंह कुंभ का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ओंकारेश्वर के एक रोटी बाबा के नाम दर्ज हुआ है। बाबा ने 7,500 करोड़ हस्तलिखित मंत्र जाप का संग्रह किया है। इनमें से 2500 मंत्र उज्जैन लाए गए हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाबा का नाम लार्जेस्ट बुक के पिरामिड के रूप में दर्ज किया गया है। सिंहस्थ कुंभ में राधिकानंद जी महाराज इन दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। राधिकानंद जी महाराज जो तपती धूप और 41 डिग्री के तापमान में गर्म बालू पर बैठकर तपस्या करते हैं। बाबा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सूर्य की इसी तरह से उपासना करते हैं। उन्हें देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुँच रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित पाठ्यक्रम में कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब से पंडित नेहरू का नाम हटा लिया गया है। किताब अभी बाजार में नहीं आई है, लेकिन राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल की वेबसाइट पर है। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सफाई दी है कि राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। वासुदेव देवनानी ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए अजमेर में साइकिल रिक्शा चलाया। साइकिल रिक्शा पर चालक की सीट पर देवनानी थे तो सवारी बच्चे थे। कोटा में आमली और इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच 1 साल की मासूम बच्ची पड़ी मिली। खबर मिलने पर रेलवे पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा में केशव नाम के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड की वजह फिलहाल साफ नहीं है। केशव बीते 3 साल से कोटा में PMT की तैयारी कर रहा था। कोटा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। आग की वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि जब आग लगी उस वक्त कार एक पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी। बीकानेर के स्थापना दिवस के मौके पर कल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंगों का काफी क्रेज देखने को मिला। मोदी के साथ ही आसमान में करीना और सलमान की तस्वीरों वाली पतंगें भी नजर आईं।